नमस्ते कैसे आप सब लोग मैं ना अपनी सक्सेस स्टोरी आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं ये बीस साल पहले की सक्सेस स्टोरी है और मैंने जब इसको मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया ना मतलब छोड़ ही दिया ये वपी मैंने कहा छोड़ो यार नहीं हो रहा और ये पता मुझे तब मिला जब मुझे इसकी जरूरत थी बीस साल पहले वाली चीज मुझे अब मिली बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ देखिए बीस साल अब पहले बीस से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे बीस मतलब दो हज़ार तेईस चल रहा है ना हाँ तो बीस साल से भी पहले की बात मैं आपको बताती हूँ टू में मैं थिएटर में थी तो थिएटर में ना मैं एक डियोड्रेंट लगा करके जाती थी और वो डिओड्रेंट है ना मेरा सिग्नेचर आ, आप खुशबू बोल सकते हैं परफ्यूम तो नहीं ऑब्वियसली मैं लगा लगाती थी उस टाइम यार वो अपनी पॉकेट मनी से इतना ही हो सकता था तो डीओ ही ऑब्वियसली उस टाइम तो मैंने कभी भी कोई परफ्यूम वगैरह यूज़ नहीं किया था तो मैं डिओड्रेंट ही लगाती थी और उस डिओड्रेंट का नाम मुझे आज भी याद है तेईस साल हो गए ना तेईस साल बाईस साल लगा लीजिए अभी चल ही रहा है दो तो बाईस साढ़े बाई साल आ, मुझे आज भी याद है उस डियोड्रेंट का नाम बिजनेस था और एकदम जेट पिंक कलर की वो बॉटल थी और उसका जो टेक्सचर था ना वो ऐसा था मैट फिनिश वाला और सामने से, से बिजनेस लिखा हुआ था और आ, मैं कहीं से भी निकल जाती थी ना तो मुझसे लोग पूछते थे कि मैंने क्या लगाया है मुझे बहुत टोका जाता था बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते थे मुझे वो इतना प्यारा वाला था मुझे वो बहुत पसंद था उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा स्टॉक 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 करके रख लिया तीन चार बॉटल्स लेकर के आ गई यूज़ किया यूज़ किया फिर जब तक मैं एक शॉप पर मिलता था वो और मैं जब तक भी वो मिलता रहा मैं उसे लेती रही लेती रही लेती रही और वो इतना वो हो गया कि अगर मैं कहीं से निकल जाऊँ मैं कहीं पर दिख जाऊँ मैं वहाँ हूँ तो पीछे से पता चल जाएगा कि हाँ मैं थी वहां पर इतना प्रोमिनेंट इतना वो था कि हाँ ये मेरा है है हाँ ना तो पीछे से भी पता चलता था अब हुआ क्या कि उसके बाद टाइम बीतता चला गया और एक टाइम के बाद आप बोर भी हो जाते हो ना तो मैं बोर भी हो गई उससे लेकिन फिर भी ना मेरा बड़ा मन उसके ऊपर अटका हुआ था और फिर मुझे पता चला कि वो आना बंद हो गया वो जो ब्रांड है वो बंद हो गया और उसकी जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं मिलती हैं और स्पेशली uh, वो वाला जो uh, फ्रेगरेंस वाला जो डीओ था ना वो नहीं मिल रहा है यार ऐसा लगा ना जैसे पता नहीं दिल टूट गया दिल ही टूट गया मेरा तो आ, नहीं मिला मुझे मैंने बहुत ढूंढा मैंने अब तक भी उसे ढूंढा ठीक है मैं इस बीच में बहुत सारी परफ्यूम्स हुआ सारी चीज़ें बॉडी में से वो दुनिया भर का सब मैं लेकिन मैं सच बताऊं मेरी नजर उसको ढूंढती रही जब भी मैं फ्रेग्रेंस ढूंढती रही मैं तब तब उसे ढूंढती रही इतना मुझे उसकी याद आती थी लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ना मेरी आ, इस साल मैंने परफ्यूम ली थी सेलेस्ट टाइटन uh, की सेलिस्ट यूज करी थी तो वो ख़त्म हुई और मुझे लगा कि uh, मुझे यार uh, काश वो डिओड्रेंट वापस से मिल जाए लेकिन उस थॉट के बाद ना मेरा मन ऐसा हुआ कि अप ही कर दिया मैंने मैंने कहा यार जो चीज़ इतने साल में नहीं मिली ना मैं ना उस चीज़ के ऊपर इतनी टिक हो गई हूँ ना चिपक गई हूँ ना मैं खुद ही बोलती हूँ कि क्लिंगी मत हो क्लिंगी मत हो मैं खुद ही क्लिंगी हो गई हूँ उस चीज़ के ऊपर आज के बाद अगर वो मिलेगी भी ना तो मुझे चाहिए ही मुझे नहीं चाहिए हद हो गई इतने टाइम से मैंने उसको ढूंढा उसकी वजह से मैंने पता नहीं क्या क्या मिलती जुलती फ्रेग्रेंसेस पसंद कर ली किसी में टॉप नोट था किसी में मिडल नोट था किसी में बेस नोट था कुछ थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा था तो मैं लेती चली गई अम, मगर मुझे वो नहीं मिला मुझे कभी नहीं मिला और ये सोच करके मैंने सोचा अब वो मुझे मिलेगा भी ना तो मैं उसे नहीं लेने वाली मुझे नहीं चाहिए एंड गेस वॉट क्या हुआ <laughs> यानी कि मेरा ऐसा वाला दिल टूटने वाला ना अप हो गया लेट गो हो गया अरे यार भगवान जी ने ये देखो क्या लेके है भगवान जी क्या मतलब ये नाके का है और ये आ, पिंक बॉटल ही है और ये सेम फ्रेग्रेंस है अगर चेक करना है ना तो बहुत महंगा नहीं है ये ये तीन सौ रुपये का मिला है मुझे और ये, आ, ये आ, ये मिला भी मुझे कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ मैं गई थी केमिस्ट के दुकान पर और मैं कुछ सामान खरीद रही थी और मैंने बहुत टाइम से ना डिओड्रेंट्स यूज नहीं किए हैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं किए हैं मैंने लास्ट करीब चार पाँच साल पहले वो भी नीविया का यूज़ किया था डिओड्रेंट और एक एंट्योर का एक रोमांस करके आता है वो यूज़ किया है उसके अलावा मैंने मुझे याद नहीं है मैंने डिओड्रेंट यूज़ नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ठीक है तो ये वहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे एंड मैंने कहा मैं नहीं लूँगी मैं नहीं ले रही ठीक है और ये मुझे वहाँ दिखा ऐसे केमिस्ट्री शॉप पर रखे रहते हैं ना तो ये वहाँ पर रखा हुआ था और मैंने परम के लिए वहाँ से कुछ चॉकलेट खरीदी वहाँ से मैंने एक वो आता है ना टाइगर बाम टाइगर बाम खरीदा और वहाँ से कुछ विक्स की गोलियाँ खरीदी और फिर वो मैं वहाँ से खरीद करके ना निकल गई अब क्या होता है सेम दुकान से मैंने किसी को नहीं बताया आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं आप मैं अकेली उस केमिस्ट्री के दुकान पर गई हूँ और मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी है नजर की वजह से क्योंकि कलर ऐसा था तो माइंड में आया और मैंने सोचा चेक भी नहीं किया मैंने इसे ठीक है मैंने सच में इसे चेक नहीं किया मैं घर आती हूँ और घर आ करके अपना जो भी है रोजमर्रा की सारी चीज़ें मैं करने लग जाती हूँ तीसरे दिन में थी थर्ड डे पे मेरी मम्मी इसे लेके आती मम्मी और डिओड्रेंट लाइफ में पहली बार लेके आई और उस दुकान से जा करके वो वही डिओड्रेंट खरीद के लेके आए अरे भाई मेरे को ही नहीं बिली वो अभी भी नहीं हो रहा आपको बताते हुए आ, मम्मी ने मुझे ये बोला कि ये ऐसा तुम कुछ बचपन में यूज करती थी ना बहुत टाइम पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम यही यूज करती हो आप कनेक्ट कर रहे हैं बातों को मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया भाई और मेरी मम्मी उसी केमिस्ट्री दुकान पर क्यों जाएगी मेरी मम्मी उसी केमिस्ट्री लेके आई और बाद में मैंने पूछा कहाँ से लेके आया क्योंकि मैंने ये देखा था और मैंने इसको सूंघा भी नहीं था एंड इसकी फ्रेगरेंस हंड्रेड परसेंट वैसी है यार ओ गॉड मुझे मिल गई <laughs> इसका जो टॉप नोट है बेस नोट है और जो मिडल नोट है एक्चुअली जो तीन नोट होते हैं ना वो तीनों के तीनों इसके अंदर हैं और ये एज इट इज मैंने अभी लगा रखी है ये ठीक है अभी मैंने उनको बोला है खैर केमिस्ट को कि मेरे लिए ना तीन चार लेकर के आ जाओ ये तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक एक बार अगर मन करे ना लड़कियों स्पेशली बहुत फैमन है ये यार ये बहुत फीमेल फीमेल टाइप का ही है ये तो ट्राई कर लेना ये बहुत ही अच्छा है और इसका नाम क्या है नाइकी का परफ्यूम है इसका नाम है ट्रेंडी 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 हाँ इसका नाम है ट्रेंडी और वुमेन तो लिखा हुआ है मैंने कहा आपको कि ये फीमेल्स का ही है और हाय 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 इसका मैं, मैं डर के नहीं लगा रही मैंने सोचा नहीं मिलेगा दोबारा उसने बोला एक ही है मेरे पास में तो मैं डर के नहीं लगा रही थी यार यार ये सेम वैसा ही है हालांकि इस बीच में मेरे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेस और बहुत सारी आ, परफ्यूम्स मिस्ट वगैरह यूज़ कर लिए हैं पर इसके साथ मेरा कुछ अलग लेवल का गहरा लगा था और जैसे ही मेरी मम्मी इसको लेके आई पहली बात तो मुझे कोई खास ऐसा नहीं हुआ मेरे मम्मी को बोला मैं मम्मी मैं डियो नहीं लगाती क्यों ले आई सूंघा मैंने उसको ओ बेटे मेरे तो एकदम ऐसे हो गए ना जैसे मैं हवा में रो मैं सोच नहीं, उस, तो उस दोस्ती ने इसको लिया क्यों नहीं <laughs> ये बिल्कुल वैसा ही है लड़की हूँ ट्राई करना तो करके देख लेना यार कोई खास महंगा नहीं है और अब ना ये आई थिंक ये गैस वाले नहीं आते ये पहले वो बीच में जो डिओज जाते थे ना इसलिए भी लेने बंद किए थे मैंने उसमें गैस बहुत ज़्यादा ही होती थी आई थिंक पता नहीं यार इसमें गैस है कि नहीं आ, पता नहीं पता नहीं आई डोंट नो वो ये सब नहीं पता मुझे ये सब नहीं पता ठीक है बस इतना पता है वो नो गैस नो गैस सुन रखा है ना मैंने तो यूज़ किए नहीं है मैंने उसके बाद में मैंने कभी भी कोई डिओ उसके बाद में बस वो दो आपको बताया ना मैंने एक इसका निविया का यूज़ किया हुआ है मैंने और एक उसका यूज़ किया था एक एंजेंड्योर का वो भी बोला रोमांस उसके अलावा मैंने यूज़ नहीं किया, किया। खैर मैंने बोला है अगर लेके आ गए तो मैं दो चार इसको ज़रूर अपने पास रख लूँगी <laughs> क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर मैं ना इसे बहुत एकदम ऐसे यूज़ करूँगी कि भाई याद देख जब मुझे ऐसे याद आएगी और ऐसा लगेगा मुझे वो वाली फीलिंग वापस से चाहिए तो मैं इसको ज़रूर यूज़ कर लूंगी बट आई होप अभी मिल जाएगा ये आई थिंक मिल जाएगा अगर किसी को लगता है कि ऑनलाइन वगैरह मिलता है ये सेम टू सेम वाला प्लीज़ यार लिंक शेयर कर देना मैं ले लूँगी वहाँ से भी और अगर आपको ट्राई करना है तो एक बार ये ट्राई करके देखना इट्स वेरी वेरी स्वीट इट्स वेरी वेरी फेमिनन इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस इट्स रियली ब्यूटिफुल यार ये ब्यूटीफुल मेरे लिए ना इसलिए भी हो सकता है मेरे हिसाब से ना फ्रेगरेंस बड़ा पर्सनल मैटर है इसलिए भी हो सकता है बिकॉज uh, मेरा बहुत शुरुआती एक्सपीरियंस था और मेरा शुरू शुरू का है पहली पहली बार लगाया और पहली पहली बार इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मेरी फ्रेग्रेंस पर मिलते थे इवन मैं जब से इसको लगा करके घूम रही हूँ ना मैं रोज़ लगा लगा करके इसको घूम रही हूँ तो मैं खुद ही को कॉम्प्लीमेंट दिए जा रही मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है तो पता नहीं चमत्कारी रूप से मेरे छोड़ने के बावजूद भी मैंने इसको मैनिफेस्ट कर लिया है अब आप समझ रहे हैं जब हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं ना जब लगता है ना छोड़ो यार वो चीज़ हमारे पास ना घूम फिर के आ रही होती है ये आई थी लेकिन मैंने ऐसे छोड़ा कि मैंने इसको भी छोड़ दिया और फिर मैं अपनी मम्मी के साथ सेम कैमिस्ट के पास जाती हूँ उसको बोलती हूँ वो तो मुझे पता नहीं पहचाना नहीं पहचाना कि आई थी अभी कुछ टाइम पहले लेके गई थी टॉफ़ी वॉफी इतना तो उसको पता था कि हाँ इसने पे किया था बट और चीज़ें आई आई डोंट नो यार पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ मैं मैं खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ ज़्यादा नहीं करना चाहती ज़्यादा नहीं करना चाहती ढक्कन में निकाल लेती हूँ जब मन करेगा सूंघ लिया करूँगी जब तक मेरे को दो चार मिल जाए बस इट्स इट्स ब्यूटिफुल थैंक यू यार थैंक यू भगवान जी थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू छोड़ दिया मैंने इतने साल नहीं छोड़ा ना मुझे नहीं मिला यार इतने साल मैं पकड़ के बैठी थी हर फ्रेगरेंस में मैं वो चेक करती थी हर फ्रेगरेंस में मैं बिजनेस ढूंढती थी हर बिजनेस मतलब उसका नाम था बिजनेस सोचिए मेरे को याद है तेईस साल बाद पहले डिओड्रेंट का नाम तो आप समझ सकते हो क्या बंधी होंगी उससे हाँ बोलते बोलते बुरी खुशबुरी है अभी मैं रखती हूँ ठीक है रखती हूँ मतलब बस हो गया अभी ये वीडियो हो गया अब समझ गया ना मेरे बस इतना ही बोलना था कि जब तक तो पकड़ा हुआ था नहीं मिल रहा था भाई साहब जब छोड़ दिए तो ये अपने यहाँ पे मिल गया और मिल के भी मैंने नहीं लिया लेकिन अभी मैंने लेना है अब मिल रहा है तो क्यों नहीं लूँ मैं <laughs> ये तो गलत बात है मिल रहा है तो मैं ले रही हूँ बस ठीक है अभी मैं इसको स्टॉकअप करने वाली हूँ और कौन कौन ये ले कर के देखना चाहता हूँ और किसने ये लिया है और उसको पसंद है अपने बता देना तो हमारी चॉइस सेम सेम ठीक है आई लव यू थैंक यू अपना अपना रखिए ख्याल अपने आप से ढेर जरा प्यार अट्रैक्ट करेगी ढेर जरा प्यार कुछ आ रही आई लव यू